अगर आप भी पैकेट वाले सूप बना बना के बोर हो गए हैं तो बनाइए ये मैंचाओ सूप बिल्कुल इजी तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। मैंचाओ सूप बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वेजिटेबल स्टॉक। उसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर पानी, कटी हुई गाजर, कटी हुई पत्ता गोभी। सब्जी आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी और रफली चॉप डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हमें छानना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है धनिया की स्टेम, यानी कि धनिया की जड़। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, ताकि सभी सब्जियों का एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं बॉईल करते हुए। अब स्ट्रेनर लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। चाहे तो आप सूप सादे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन स्टॉक से सूप हेल्दी बनता है और टेस्टी भी बनता है। अच्छे से हम इसे दबा दबा के इसका सारा स्टॉक निकाल लेंगे। ये स्टॉक बहुत हेल्दी होता है, इसे आप और चीज़ों में जैसे कि दाल में, आटा गूंदने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम करते हैं नूडल्स रेडी, क्योंकि हमें क्रिस्पी नूडल्स चाहिए सूप के ऊपर डालने के लिए। प्लेट में डालेंगे नूडल्स जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, उसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारी नूडल्स कॉर्नफ्लोर से अच्छे से कोट हो जाएं। अब लेंगे हम मीडियम हॉट ऑयल, जो हमने नूडल्स कोट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। बहुत सारी नूडल्स इकट्ठी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, पलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेंगे। सारी नूडल्स हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी नूडल्स रेडी हुई हैं। अब कट कर लेते हैं हम वेजिटेबल। अगर आपके पास ऐसा चॉपर है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी वेजिटेबल्स काटने में, क्योंकि हमारे को इक्वल कटी हुई वेजिटेबल्स इससे मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं गाजर काट रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बारीक गाजर कट गई है। इसी तरीके से मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। मैंने लिया है एक प्याज, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी कैबेज, गाजर, गार्लिक, अदरक और हरी मिर्च। मैंने ये वाली सब्जियाँ ली हैं। आप चाहे जो सब्जियाँ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, यानी कि मशरूम, बीन्स, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, और सब्जी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और 10 से 12 गार्लिक जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, थोड़ी सी अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च। इसे हम अच्छे से भूनेंगे पहले 30-40 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद डाल देंगे 2 चम्मच भर के प्याज, 2 चम्मच भर के गाजर। आपको जो सब्जियां पसंद है वो ज़्यादा डाल लें, जो नहीं पसंद उसे कम डालें, या तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैंने डाल दी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और उसके बाद डाल देंगे 1 कच्ची भर के स्टॉक, ताकि ये नीचे से लगे ना। और डालेंगे इसमें हम सॉसेस, 1 चम्मच भर के डालेंगे हम रेड चिली सॉस, 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस और 1 चम्मच डालेंगे हम ग्रीन चिली सॉस। सभी सॉसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और डाल देंगे फिर हम सारा वेजिटेबल स्टॉक। सूप में पानी अपने अकॉर्डिंग ही डालें। अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है तो पानी कम डालें, और वेजिटेबल्स कम पसंद है तो पानी ज़्यादा डाल दें। इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने दें अच्छे से, और फिर डाल दें इसमें कटा हुआ हरा प्याज और थोड़ी सी फ्राइड नूडल्स। अब इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा करने के लिए एक कटोरी में लेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोई लम्स ना रहे, और इसे चलाते चलाते ही डालेंगे। इस टाइम बिल्कुल हम इसे छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये कॉर्नफ्लोर नीचे लग जाएगा और सारे इसमें लम्स बन जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, यानी कि सिरका। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंचाओ सूप हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और मैंचाओ सूप अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने नूडल्स रेडी की थी और स्प्रिंग अनियन। अब आप इस टेस्टी सूप को एंजॉय करें क्रिस्पी नूडल्स के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।